दोस्तों वीडियो में दिख रहा यह पेड़ दोस्तों, इसे भारतीय भाषा में खंडखड़ुआ, बड़बड़ और यहाँ तक कि सत्यानाशी भी कहा जाता है। दोस्तों इस पौधे के किसी भी भाग को तोड़ने पर उसमें से एक सफ़ेद पदार्थ निकलता है जो कि सफ़ेद द्रव होता है। दिखने में यह है दूध के समान जैसा प्रतीत होता है, जिसके कारण इस पौधे को स्वर्णश्री भी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातन ग्रंथों में भी इस पौधे का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों यह पौधा दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर होता है, इसके बीज उतने ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। दोस्तों इसके बीज वास्तव में दिखने के में राय के बीजों जैसे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिसके कारण कई बार इंसान राय के बीज और इसके बीजों में भी फर्क करने भूल जाता है और इसका प्रयोग करने पर वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। यानी इसके बीजों का प्रयोग करने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों इतना जहरीला होते हुए भी यह पौधा बहुत ही ज़्यादा औषधि युक्त है। दोस्तों भारत के पुराने ग्रंथों में इस पौधों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कई प्रकार के रोगों का निवारण करने में भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह पौधा रोगाणुनाशक और जीवाणुनाशक और विषाणुनाशक है। और दोस्तों इस पौधे का प्रयोग कुष्ठ रोग के निवारण में भी और उपचार में भी किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि यह पौधा महिलाओं की बांझपन की समस्याओं को भी दूर करता है। लेकिन दोस्तों इस पौधे का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पौधा वास्तव में बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और जिसका थोड़ा बहुत भी सेवन करने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया।